सबसे पहले मैं यूनाइटेड पीस अलायंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और यहाँ पे तमाम मेरे सीनियर, मेरे भाई बंधु जितने भी बैठे हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सोच थी कि जिस जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुआ हूँ वो जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, वो जम्मू कश्मीर एक हरा भरा एक बाग है, जिस बाग में हर किस्म के फूल खिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, तमाम लोग। जब एक गुलदस्ते के अंदर कोई एक कीड़ा लगता है तो वो पूरा गुलदस्ता जो है वो खराब होने के अपना कगार पे आता है, लेकिन उस कीड़े को भी निकालने के लिए दवाइयां आती हैं, काफी चीजें आती हैं जो उस पर छिड़क के उस कीड़े को खत्म किया जाए, गुलदस्ते को फिर से हरा भरा किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ही कीड़े जो हैं हमें खत्म करने की जो है तैयारी और फिराक में है, जो आहिस्ता 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 हमें जो है खोखले करे जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी एकता, अखंडता, यूनाइट जो होने का मकसद है वो खत्म किया जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को खराब किए जा रहे हैं कि कोई पहाड़ से, कोई बॉर्डर से, कोई अपना गुजर कम्युनिटी से, कोई बकरवाल कम्युनिटी से, कोई किश्तवाड़ से, कोई पुंछ से, इस तरीके से। और मैं हमेशा मीडिया कर्मियों के आगे गुजारिश करता हूं कि प्लीज तमाम हमारे जम्मू कश्मीर की जनता एकजुट होकर रहे। जैसे कि महाराजा हरि सिंह का जब दरबार लगता था तो वहां पे कश्मीर के चाहे मुस्लिम भाई हो, पंडित भाई हो, डोगरे हो, गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, बॉर्डर का एरिया हो, तमाम उस दरबार में बैठते थे। तो अपने जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल, जो अपना फ्यूचर, वो वहीं पे फाइनल होता था। तो हम अच्छे थे, खुश थे और बहुत ही अच्छी तरह हम मिलजुल के रहते थे। तो वो जो हालात आज हमें डिवाइड एंड रूल सिखाया गया है, जो बताया जाता है कि आपके कश्मीर वाले खा गए, जम्मू वाले रह गए, कश्मीर वाले आपका हक ले गए, लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है तो वो सिर्फ जम्मू प्रोविंस है। जम्मू प्रोविंस जो आज है, यहाँ पे क्राइम, रेप, कत्लेआम, चोरी, स्नैचिंग और जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो जम्मू के अंदर मैक्सिम हो रहा है। और हमें आज भी अगर समझ नहीं आई कि किस तरीके से हमें अपने कश्मीरी भाइयों से अवगत किया जाता है, कैसे हमें जो है अपना बांटा जाता है, तो फिर हम कभी नहीं समझेंगे। जब महाराजा हरि सिंह जी ने एक आपका सेक्टेट के अंदर, जैसे आपको पता दरबार मूव था, वो हमारा आपस में मेलजोल, भाईचारा बढ़ाने का एक अच्छा तरीका था। सर्दी का और गर्मी का तो बहाना था, लेकिन आना जाना जो था हमारा, हमारे घरों पे, हम उनके घरों पे, वो हमारे घरों पे, ये भाईचारा जो था वो कायम हुआ था और रिश्ता और भी बड़ा था। लेकिन ऐसी सरकारों ने उसको भी खत्म कर दिया। हमारी बनाई हुई रियासत जो राजाओं की थी उसको भी जो है तोड़ के हमारे महाराजा का तोहीन किया गया। कश्मीर के लोग आज भी, मैं सल्यूट करता हूं उनको, कि उनके पास जब बैठ के मैं बात करता हूं, वो आज भी कहते हैं कि अगर उनका जो बेटा करण सिंह है, अगर उसको वजीर आजम बनाया जाए, हम तमाम कश्मीरी उनके साथ हैं। आज भी उनके दिलों में प्यार है अपनी रियासत के लिए, अपने राजाओं के लिए, फिर भी हमें तोड़ा जाता है। और रही बात हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर आज हमारा एक आग की भट्टी होती है, भट्टी के ऊपर तड़प रहा है, वो तप रहा है उसके अंदर कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का फ्यूचर क्या। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, वो तो अपनी एज, अपनी उम्र तो निकाल गए, लेकिन हमारे बच्चों का जो फ्यूचर मुस्तकबिल, वो कौन चिंता करेगा। जिस बच्चों के हाथ में पेन होना चाहिए, आज ड्रग्स के टीके है उसके हाथ में। जिस बच्चों के पास आज पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज होने चाहिए, आज वो जेलों के अंदर बैठे हैं। जिस बच्चों के पास नौकरियां होनी चाहिए, वो आज रोडों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू के। जिस बच्चों के मेहनत करके एमए, बीएड, पीएचडी करके जो बेचारे आज दफ्तरों के अंदर काम करने चाहिए, आज वो स्कैम्स के जरिए बेचारे चिल्ला रहे हैं कि हमारे स्कैम्स हुए हैं, हमें बचाइए। और ये जो तानाशाही, किसकी, 2014 के बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर का स्ट्रक्चर, जम्मू कश्मीर का फेस चेंज हुआ है, ये हमें दुख होता है कि जिस रियासत को ताज बोला जाता है हिंदुस्तान का, जिस रियासत को अटूट अंग आज बोलते हैं, उस अटूट अंग के अंदर किस तरीके की पार्शियलिटी, जो चीजें हमें मिलनी चाहिए वो नहीं देंगे, लेकिन जो हमसे छीना है वो रातों रात फरमान जारी निकालेंगे, तो ले लो जम्मू कश्मीर वालों से। जम्मू कश्मीर के लोग मानता हूं दिल के बहुत नरम और अच्छे हैं, और इतना प्यार भरा है उनके अंदर कि कोई भी बाहर से रात को 12 बजे भी अगर उनके पास दरवाजे पे आएगा, उसका वेलकम करके अच्छे से खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुलाएंगे और उसकी इज्जत करेंगे। इन्होंने उसका नजायज फायदा हमसे उठाया।
और हमारे साथ ये जो इन्होंने हालात की है ये कभी नहीं हम भूलेंगे। जैसे कि हम बंद कमरों में आज मीटिंग कर रहे हैं, वैसे ही जब देश आजाद करना था हमारे 21-22 साल के नौजवानों ने मीटिंग करके देश को आजाद करने का काम किया था, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर से ऐसे तानाशाहियों से निजात पाने के लिए हम बाहर निकलेंगे और मीटिंग करेंगे तमाम एरियाज में जाके और उठेंगे अपने फ्यूचर, अपने भाइयों की जब मुस्तकबिल उसको बनाने के लिए, अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। जैसे कि हमारे अपने सलीम साहब ने कहा कि हमारी जो है पावर प्रोजेक्ट बेच दिया, पावर प्रोजेक्ट नहीं जम्मू कश्मीर सारा बेच दिया, हम सिर्फ किराएदार हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारा स्टेट सब्जेक्ट था, हमारी पहचान थी वो खत्म कर दी, डोमिसाइल लाए क्योंकि उन्होंने अपने नुमाइंदे लाने थे। आज ऐसी हालात बन चुकी है कि अरसपुरा के अंदर बिहारी यूपी वालों के वोटर, उनके वोटर और अधिकार बना हुआ है, राशन कार्ड उनके बने हुए हैं, हमारे राशन कार्ड नहीं, हमारे वोटर अच्छे नहीं, हमारे वोटरों के लिए बच्चे लाइनों में लगे हैं, उनके वोटर उनके डोमिसाइल ताले बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के रिसोर्सिस, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक उनके पास नहीं, बाहर वालों के पास पहले। आज आईएएस टॉपर जितने भी हैं सब बाहर के जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे एडवाइजर हो, तमाम इनके अब जाकर इनको लगा कि एक जो है जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी दे दो तो शायद ये खुश हो जाएंगे, लेकिन वो भी आपका, क्योंकि वो भी आपके नक्शे कदम पे चलने वाला, हम क्या हैं। तो मुझे बताइए ऑफिसर आपके, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, तमाम चीज आपकी, तो हम जम्मू कश्मीर के लोग आपके नौकरी हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए, और हमें जो है जल्द से जल्द अपने इस फैसले को कमरे से बाहर निकल के तमाम नौजवानों के और बड़े बुजुर्गों के साथ जो है तमाम सोशल एक्टिविटीज के साथ रोड़ों पे आना पड़ेगा।